गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स योर कंप्यूटर क्लास एंड आई एम विटनेस अगेन वेलकम्स यू इन योर कंप्यूटर क्लासेस। टुडे वी विल स्टडी द सेवेंथ चैप्टर प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट, जय हिंद छात्रों। आज हम लोग कंप्यूटर की कक्षा में सातवां अध्याय प्रोटेक्टिंग अवर कंप्यूटर का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, प्रोटेक्टिंग अवर कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर की सुरक्षा करना। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर फ्रॉम पेज नंबर 79। एवरीवन ओपन पेज नंबर 79 ऑफ साइबर किड्स एंड सी द चैप्टर प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर। तो बच्चों, प्रोटेक्टिंग का मतलब आपको पता ही होगा, सुरक्षा करना। तो कंप्यूटर की भी हमें सुरक्षा करने की ज़रूरत होती है। जैसे हम अपने दांतों की, आँखों की सुरक्षा करते हैं, रोज़ ब्रश करते हैं, रोज़ स्किन साफ करते हैं, दरवाजे पर सुरक्षा लगाते हैं, इन द सेम वे यू हैव टू नीड टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर। सी हियर व्हाट इज रिटन। पहले आप देखें क्या लिखा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक सेंसिबल मेजर्स टू प्रोटेक्ट अवर कंप्यूटर फ्रॉम द न्यूमेरस थ्रेट्स। लेट्स रीड अबाउट द वे विच हेल्प अस टू प्रोटेक्ट अवर कंप्यूटर। अ मैग्नेटिक डिस्क ऑन विच वी कैन स्टोर अवर कंप्यूटर डाटा इज कॉल्ड हार्ड डिस्क। द बच्चों यहाँ बता रहा है कि हमें कंप्यूटर की सुरक्षा करने के लिए बहुत सी चीज़ों को करना पड़ता है, जिससे हम उसे उसके खतरों से बचा सकते हैं। तो यहाँ क्या क्या उसके खतरे हैं और उसे कैसे बचा सकते हैं, आप सभी का अध्ययन करेंगे। लेकिन कंप्यूटर की सबसे पहले से मेन चीज़ होती है, मेन मेमोरी होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। दैट इज़ हार्ड डिस्क एंड इट इज़ रिटेन अ मैग्नेटिक डिस्क ऑन विच वी कैन स्टोर कंप्यूटर डाटा इज कॉल्ड अ हार्ड डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क जिस पे कंप्यूटर का डाटा सेव होता है, उसी को हार्ड डिस्क कहते हैं। तो सबसे पहले हमें हार्ड डिस्क की सुरक्षा करने की ज़रूरत होती है, और उसको हम कैसे करते हैं, यहाँ देखिए पॉइंट्स लिखे हुए हैं। टेकिंग केयर ऑफ हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क की सुरक्षा करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, चेक द पावर सोर्स केबल एंड केबल कनेक्शन वेदर दे आर प्रॉपरली इंस्टॉल्ड। तो बच्चों, हमें समय समय पर पावर चेक करना चाहिए कि जो तार लगे हुए वो सही है कि नहीं। मेक श्योर दैट हार्ड डिस्क इज माउंटेड प्रॉपरली। ये देखना चाहिए कि हार्ड डिस्क में जो ड्राइव बटती है, सी टाइप डी टाइप, वो सही सही बटी है कि नहीं। रन द BIOS सेटअप टू सी द हार्ड डिस्क इज डिटेक्टेड। अगर कोई BIOS सेटअप आता है सिस्टम में, उसको हम बार बार रन कराते हैं, तो हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम होती है उसे मैनेज कर लेता है। अपडेट द एंटीवायरस, रन स्कैन डिस्क एंड रन डिफ्रैक फ्रिक्वेंटली। तो एंटीवायरस लगाना चाहिए, स्कैन डिस्क लगाना चाहिए, उसमें स्कैन डिस्क हमेशा चलाने चाहिए, और डीफ्रेगमेंटेशन कर देना चाहिए, यानी सारे हमारे जो लोड हैं कंप्यूटर के, अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर देने चाहिए। इफ़ द कंप्यूटर स्क्रीन डिस्प्ले एरर मैसेज ड्यूरिंग स्टार्टअप डोंट इग्नोर इट, नेवर प्रेस एस्केप की विदाउट रीडिंग द एरर मैसेज। कभी कभी होता है आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो कुछ मैसेज लिख के आता है, आप एस्केप दबा के उसे हटा देते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, स्कैन डिस्क। स्कैन डिस्क इज अ डिस्क चेकिंग द MS DOS यूटिलिटी एंड इंक्लूडेड एज ए यूजर इंटरफेस विथ माई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। स्कैन डिस्क चेक द हार्ड डिवाइस हार्ड ड्राइव और प्रॉब्लम एंड रिपेयर एरर व्हेन पॉसिबल। तो स्कैन डिस्क वो डिस्क होती है जो हार्ड डिस्क के चेक करती है कि कोई एरर तो नहीं है, और अगर वो एरर होता है तो उसको वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सही करती है। ओके स्टूडेंट, नाउ टर्न द पेजेस एंड सी द नेक्स्ट टॉपिक, डीफ्रेगमेंटेशन। देन व्हाट इज डीफ्रेगमेंटेशन। तो बच्चों, कभी कभी आप देखते होंगे कंप्यूटर आपका स्लो काम करने लगता है, धीमा काम करने लगता है। देन वी इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस बाई डीफ्रेगमेंटेशन। अ फ्रेगमेंटेड हार्ड ड्राइव स्टोर्स पार्ट ऑफ अ फाइल इन मेनी डिफरेंट लोकेशन। तो जब हम अपने फाइल जो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको अलग अलग लोकेशन में हम स्टोर करते हैं, यानी बांट देते हैं, तो वही डीफ्रेगमेंटेशन कहलाता है। और इससे जो है कंप्यूटर, वो उसका लोड कम हो जाता है, और फाइल जो होती है वो डीफ्रेगमेंटेशन जब हम करते हैं, तो सारी अलग अलग जगह की फाइल एक जगह सुरक्षित हो जाती है। इट टेक्स लेस टाइम टू सर्च द फाइल फ्रॉम हार्ड ड्राइव। और ये हार्ड ड्राइव से हमें खोजने में इसमें समय भी कम लगता है। ओके स्टूडेंट, सो जब कई फाइल आपकी अलग अलग हो, तो उसको डीफ्रेगमेंटेशन के द्वारा एक जगह करके आप उसे कंप्यूटर की मेमोरी भी सेव कर सकते हो, और कंप्यूटर की
यूटिलिटी भी बढ़ा सकते हो। नाउ वायरस, हैव यू हर्ड अबाउट वायरसेस? वायरसेस के बारे में तो सुना ही होगा। अभी वायरस आदमी के शरीर को बीमार जैसे करते हैं, वैसे ही वायरस कंप्यूटर के भी होते हैं, कंप्यूटर को भी बीमार करते हैं। वायरसेस आर प्रोग्राम विच आर रिटेन टू डैमेज अवर कंप्यूटर डाटा, दे बैडली इफेक्ट द हार्ड डिस्क एंड डिस्ट्रॉय ऑल डाटा स्टोर इन इट। तो वायरस वो प्रोग्राम होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान करने के लिए बनाए जाते हैं, वो हमारे हार्ड डिस्क को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देते हैं और उसके सारे डाटा को भी नष्ट कर देते हैं। तो हमें इससे बचना चाहिए, तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम ये जानें कि कंप्यूटर में वायरस आता कहाँ है। तो देखिए यहाँ लिखा है, हाउ कैन अ कंप्यूटर गेट वायरस, कंप्यूटर वायरस कैसे आता है? तो कंप्यूटर में वायरस मेनली तीन तरीके से आते हैं। फर्स्ट, ओपनिंग स्मॉल ईमेल अटैचमेंट, ईमेल अटैचमेंट को जब आप खोलते हैं, कई ईमेल होते हैं जब वर्ल्ड वाइड खोलते हैं तो उसमें ईमेल में आपके वायरस छिप कर आ सकते हैं। एक्सेप्टिंग विदाउट रीडिंग, कोई भी जब आपके पास मैसेज आता है तो आप उसको बिना पढ़े अगर रिकॉर्ड कर लेते हैं, बिना पढ़े उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, पूरा उसे समझते नहीं हैं, तो उसके साथ भी वायरस आपके कंप्यूटर में आ सकता है। नॉट रनिंग द लेटेस्ट अपडेट्स, अगर आप लेटेस्ट अपडेट्स को भी नहीं चलाते हो कंप्यूटर में, लेटेस्ट अपडेट्स नहीं करते हो तो भी आपका वायरस कंप्यूटर में आ सकता है। और लास्ट पॉइंट है, डाउनलोडिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर म्यूजिक ETC, तो वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो नकली CD बनाते हैं, उस CD को, उस म्यूजिक को अगर हम डाउनलोड करते हैं नकली वाले को, तो हमारे सिस्टम में वायरस आ सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना है? इन सब से बचने के लिए हमें एंटीवायरस का यूज करना है। दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, वी शुड टेक प्रॉपर प्रिकॉशन टू प्रिवेंट अवर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। एंटीवायरस इज अ प्रोग्राम दैट इज रिटन टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस। एंटीवायरस आइडेंटिफाई एंड रिमूव द वायरसेस फाउंड इन द कंप्यूटर। इट ऑल्सो वार्न इफ एनी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस हैविंग वायरस इज अटैच्ड टू द कंप्यूटर। तो एंटीवायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में पाए जाने वायरसेस को आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है और उन्हें रिमूव कर देता है। और साथ ही साथ अगर किसी आपके एक्सटर्नल डिवाइस यानी आपके CD में या DVD में या पेन ड्राइव में, चिप में आपके कोई वायरस है तो ये चेतावनी भी दे देता है। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द फेमस एंटीवायरसेस। इन टूडेज वर्ल्ड एंटीवायरस हैज बिकम अ नेसेसिटी। एवरी कंप्यूटर नीड्स एंटीवायरस इंस्टॉल इन इट टू सेव इट फ्रॉम थ्रेट्स, सो रिमेंबर टू इंस्टॉल अ गुड एंटीवायरस इन योर कंप्यूटर। तो एंटीवायरस आज के समय की ज़रूरत है और इसलिए हमें अच्छा कंपनी का, अच्छे सिस्टम वाला एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कराना चाहिए। तो कैसे इंस्टॉल कराते हैं, वो स्टेप्स यहाँ दिए हुए हैं। देखिए, इंस्टॉलिंग एन एंटी वायरस, वी शुड इंस्टॉल एंटीवायरस टू कीप अवर कंप्यूटर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वॉन्टेड अनवॉन्टेड वायरसेस। टिप्स बिफोर प्रिसीडिंग विथ इंस्टॉलेशन, अब हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं किसी भी एंटीवायरस को वायरस से बचाने के लिए, और उसके टिप्स यहाँ दिए गए हैं। पहला, क्या करना, ध्यान रखना चाहिए कि वेरीफाइज दैट कंप्यूटर इज़ नॉट इन्फेक्टेड। यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि कंप्यूटर में हमारे वायरस ना हो। अनइंस्टॉल एनी अदर एंटीवायरस प्रोग्राम, और जो भी हमारे कंप्यूटर में अगर दूसरे एंटीवायरस है तो उसे पहले अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। डिलीट ऑल फाइल्स इन द विंडो टेम्परेरी फोल्डर, टेम्परेरी फोल्डर में जितने फाइल हैं उन सबको डिलीट कर दें। और ये ज़रूर चेक करें कि चेक अवेलेबल हार्ड डिस्क स्पेस, कि आपके हार्ड डिस्क में उतना स्पेस है कि नहीं। एग्जिट ऑल प्रोग्राम बिफोर स्टार्टिंग द इंस्टॉलेशन, और इंस्टॉल करने के पहले सारे प्रोग्रामों को आप बंद कर दें। और इसी तरह इंस्टॉलिंग क्विक हिल एंटीवायरस, यहाँ दिया है कि क्विक हिल एंटीवायरस को आप कैसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें वी इंसर्ट द क्विक हिल CD, इट विल रन ऑटोमेटिकली, इट इज एन ऑटो रन CD। तो पहले हम एंटीवायरस क्विक हिल की जब CD डालते हैं तो ये अपने आप चलने लगता है क्योंकि ये ऑटो रन होता है। आफ्टर दैट इंस्टॉलेशन प्रोसीडर विल स्टार्ट, उसके बाद इंस्टॉलेशन की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाती है। क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू रीडिंग द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, अब इंस्ट्रक्शन को पढ़ के आप नेक्स्ट करते जाएंगे, आपके प्रोग्राम में क्विक हिल जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब देखिए लास्ट पॉइंट कह रहा है, यूजिंग क्विक हिल इंस्टॉलर प्रोग्राम, अब
क्विकिल इंस्टॉलर का प्रोग्राम को यूज करके हम किसी भी एंटीवायरस को कैसे डालते हैं। तो सबसे पहले हमें उस फोल्डर को खोलना होगा जिसमें क्विकिल सॉफ्टवेयर होगा। डबल क्लिक ऑन द एप्लीकेशन टू स्टार्ट इंस्टॉलेशन, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उस पर डबल क्लिक करेंगे इंस्टॉलेशन के लिए, इंस्टॉलेशन हमारा शुरू हो जाता है। फॉलो द स्टेप्स एज वी डिड प्रीवियसली, और जैसे हमने पहले स्टेप्स फॉलो किए थे वैसे यहाँ भी स्टॉप इससे सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। क्विकिल इन विंडो विल ओपन आफ्टर इंस्टॉलेशन, तो इसके बाद जब इंस्टॉल हो जाएगा तो क्विकिल विंडो आपके सामने खुल जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ अंडरस्टैंड द होल चैप्टर बाय वॉचिंग वीडियो वेरी केयरफुली एंड डू योर एक्सरसाइज बाय योर ओन सेल्फ। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू।